किस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत समय किसी भी खबर को पाने के लिए, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। चयनित अभ्यर्थियों ने मांगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है पटना प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। ले सकते हैं गाइस, यहाँ पे दो चरण की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग की है। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनके सर्टिफिकेट की जांच का कार्य अविलंब पूरा कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आगे देखिए लिखा है, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी संघ के गौरव कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग सभी चयनित अभ्यर्थियों के TET सर्टिफिकेट की जाँच करा नियुक्ति पत्र दे दे। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ कि हर एक दल से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, हर जगह से आवाज़ उठने लगी है कि भाई अब नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है वो जल्दी पूर्ण किया जाए, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया में एक लंबा समय लग रहा है। बहाली कई सारे फंसाऊ गैंग के द्वारा भी फंसी है, और जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट गई, पटना हाई कोर्ट के बाद जब ये बात सामने उभर के आई कि वही नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, तो उस समय कहीं ना कहीं विजय कुमार शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पटना हाई कोर्ट से बहाली तो खुलवा दी, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावे किए थे कि दीपावली की जो मिठाई है वो शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपने पहले वेतन से खाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि फिर से एक बार देरी हुई है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने जो दावे किए थे वे दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशासन बड़ी बड़ी बातें तो कर लेता है, लेकिन जब बात आती है इन बातों को पूरा करने की, उस समय कहीं ना कहीं चूक देखी जाती है और देरी मिलती है। तो देखिए, वही खबर आज छपी हुई है न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं कि दिसंबर के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करें, अन्यथा अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरेंगे। TET/ST/UT न्यूज़ शिक्षक संघ के प्रेस प्रवक्ता सुनील पांडे ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया है। तो देख सकते हैं, सुनील पांडे ने भी कहा है कि भाई देरी हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया में, जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अब देखिए, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा प्रत्येक देख सकते हैं शुक्रवार को अवकाश नहीं रहने पर जनता दरबार में शिकायत सुनकर उनका निष्पादन कराया जाता है। उक्त सुनवाई के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश मामले जिला स्तर के होते हैं, जिसका निष्पादन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्देशानुसार निम्न निर्देश दिए जाते हैं। और देखिए, इन्होंने कह दिया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह तिथि निर्धारित कर जनता दरबार का आयोजन करेंगे, तथा उक्त जनता दरबार में प्राप्त शिकायतें फरियाद का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करेंगे। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है विभाग के द्वारा कि जल्द से जल्द ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूर्ण तो की जाएगी। लेकिन देखिए, ये बात भी एक आदेश के द्वारा जो है प्रधान सचिव ने जारी किया है। प्रधान सचिव का साफ तौर पर कहना है यहाँ पे कि जो भी प्रक्रिया जो चल रही है नियुक्ति की, अब वो जल्द से जल्द पूर्ण तो होगी, लेकिन जनता दरबार में जिस प्रकार से अभ्यर्थी शिकायतें लेके आते थे, तो अब कहीं ना कहीं एक आदेश जारी कर उन्होंने कहा है कि उक्त सुनवाई के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश मामले जिला स्तर के होते हैं, जिनका निष्पादन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है। देख सकते हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार का आयोजन करेंगे, तथा उक्त जनता दरबार में प्राप्त शिकायतें फरियाद का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करेंगे। तो एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द वह पूर्ण की जाए। ये वो लेटर है प्रधान सचिव ने जो जारी किया है सुशील कुमार के निदेशक के सचिव के द्वारा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सुनवाई की तिथि एवं समय निर्धारण पर अविलंब उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। तो कहीं ना कहीं सख्ताई हो रही है। NDA सरकार ने शिक्षा को रसातल में पहुंचाया। देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि NDA सरकार जो थी उस समय शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस टाइम पे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ही कह सकते हैं कि बिगड़ी हुई है। देख सकते हैं, लेकर ने कहा है कि बिहार NDA सरकार ने शिक्षा को रसातल में पहुँचा दिया है। 16 सालों के शासन में शिक्षा की स्थिति वहाँ पहुँच गई है जहाँ पटरी पर लाने में वर्षों लगेंगे। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए पार्टी के
प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद, रितु जायसवाल दे सकते हैं, तमाम लोग जो थे इन्होंने कहा है कि भाई हमारे समय में यानी कि एनडीए के समय में काफ़ी उच्च स्तरीय रही है शिक्षा की व्यवस्था। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की कोडिंग में और लगेगा एक हफ्ते का समय। देख सकते हैं गाइस, कहा गया है कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की कोडिंग में अब कहा गया है कि एक हफ्ते का समय और लगेगा। बिहार बोर्ड के लिए लगेगी पदाधिकारियों की ड्यूटी। जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के लिए अभी डॉक्यूमेंट पर स्पेशल कोड दर्ज कर कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा है। मंगलवार तक करीब 1600 अभ्यर्थियों का डाटा अपलोड किया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की कोडिंग में अब और एक हफ्ते का समय लगने वाला है। फोल्डर पर कोड दर्ज कर दिया जा रहा कंप्यूटर में अपलोड। 1600 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड अपलोड 407 का होना है बाकी अभी। तो देख सकते हैं गाइस, ये भी बात सामने उभर के आ रही है कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एक हफ्ते में कोडिंग के साथ ही अपलोड करने की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। सर्टिफिकेट की अपलोडिंग की प्रक्रिया भी अब कहा जा रहा है कि भाई तीव्र गति से पूरी हो रही है। ठीक है, देख सकते हैं लिखा है, जिला नियोजन कोषांग प्रभारी हरि किशोर हरि ने बताया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के फोल्डर पर कोड दर्ज कर कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा है। कंप्यूटर में फीड कर उनके सर्टिफिकेट बोर्ड और विश्वविद्यालय के अनुसार छांट कर अलग करना है। तो देख सकते हैं गाइस, तैयारी फुल प्रूफ चल रही है। 2 दिनों में अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी रिपोर्ट, डीओ ने कहा है। जिले के देख सकते हैं, शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में हुई धांधली, डीओ ने की सुनवाई। निदेशक ने शिकायतों को जल्द निपटाने का कहा है, वादा किया है। देख सकते हैं गाइस, जाले के प्रखंड शिक्षक नियोजन के लिए 7 अगस्त को हुई काउंसलिंग में धांधली की शिकायतों की सुनवाई डीओ शिक्षा विभा कुमारी ने बुधवार को डीओ स्थापना की मौजूदगी में की। तो देख सकते हैं गाइस, साफ तौर पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चाहते हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जो भी चल रही है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया उसको त्वरित गति से निष्पादित किया जाए। निष्पादित करने के बाद जल्द से जल्द अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति पत्र लेकर बहाली की इंतज़ार जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो विद्यालय में जाके योगदान करें ताकि एक अच्छे वेतन से उनका परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। खबर आ रही है कि आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को दे दी है मंजूरी। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। देख सकते हैं गाइस, साफ तौर पर आप यहाँ पर पूरी की पूरी अपडेट दे दी गई है और बता दिया गया है कि अच्छी खबर आ रही है। और कुल मिला के अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने की कवायद भी तेज़ गति चलेगी और चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की जो मांग की है बहुत बढ़िया की है। अब जल्द से नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में योगदान शिक्षक करेंगे। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। चाहेंगे